स्टूडेंट वेलकम टू मयंक मैथमेनिया यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। टुडे डिस्कस क्लास 10th मेंसुरेशन यानी एरिया एंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर इन विच डिस्कस अबाउट CSA ऑफ फ्रस्टम। CSA ऑफ फ्रस्टम के लिए आपको ये फिगर जैसे कि मैंने वॉल्यूम में बताया था बनाया गया है, ठीक है, इसको आप समझ चुके होंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या चीज़ और करना है मुझे इसके लिए। देखिए कल ही जो है सिमिलरिटी के बारे में सब बताया गया था, ठीक है, पिछली वीडियो में सिमिलरिटी के बारे में बताया गया था, उसी से मुझे रेशियो मिला था। ठीक है, ये मैंने क्या लिया, रेशियो, ये ठीक है। रेशियो जैसे ही मिल गया सिमिलर दिखाने के बाद तो मैंने इसको इस फॉर्मेट में लिख भी लिया। फिर अब हम निकालने चल रहे हैं CSA, कर्व सरफेस एरिया। आपको पता है अगर मुझे CSA निकालना है इस फ्रस्टम का, तो आपको पता है इस फ्रस्टम का निकालने के लिए पहले मैं क्या करूँगा, इस कोण में ये छोटा वाला कोण अगर सब्सट्रैक्ट कर दूं एरिया के लिए तो आपका इतना पूरा एरिया ये निकल आएगा। ठीक है, मैं वही करने चल रहा हूँ, अब समझिए कैसे होगा ये। सबसे पहले आपको पता है ऊपर वाला ओवरऑल, ऊपर वाला नहीं, ओवरऑल अगर मुझे कोण का CSA निकालना होगा तो पाई आर वन होगा, क्योंकि नीचे की रेडियस आर वन है और एल होगा कैपिटल में, ठीक है, क्योंकि स्लैंट हाइट है, तो पाई आर वन एल लिख लिया। फिर हमें क्योंकि इस वाले पार्ट का निकालना है, ठीक है, इसलिए मैं इस छोटे वाले कोण का CSA निकालूंगा। तो ये क्या होगा, अब समझिए, ये इसके लिए हमको पता है कि पूरे स्लैंट हाइट में से इतना घटाया गया था तो स्लैंट हाइट आपकी एल माइनस एल निकली थी, ठीक, और हाइट जो निकली थी, सॉरी, जो रेडियस है वो आर टू है, हाइट का यहाँ काम नहीं है। ठीक है, तो मुझे यही करना है, पाई आर एल होता है तो पाई आर, आर की जगह आर टू रख दिया है और L की जगह आपके कैपिटल L माइनस स्मॉल L रख दिया है। इसमें आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, समझ में आई बात। तो नेक्स्ट स्लाइड में कुछ इस तरह से आपको काम करना है कि CSA आपको पता है ये सारी चीज़ें अंदर मल्टीप्लाई किया, अंदर जैसे ही मल्टीप्लाई किया ये बेटा माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे भी ये प्लस रहेगा, ठीक है, और आप देख रहे हैं मुझे हर चीज़ कैपिटल L के फॉर्म में जो मिल रहा है उनको एक साथ करते हैं। तो कैपिटल एल को जब यहाँ पर देखा कॉमन निकाल लिया ए वाला एल, ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू मिली पाई एल आर वन माइनस आर टू मिला। एल की वैल्यू हम इस रेशियो से ही फाइंड करेंगे और यहाँ पे इतना केवल यूज करेंगे। तो आप देखिए इतने वाले से पार्ट में, पार्ट में से इस एल का आर टू से मल्टीप्लाई हुआ है, फिर यहाँ वाला इससे मल्टीप्लाई हुआ है, अंदर क्या हुआ मल्टीप्लाई, सारी वैल्यू कैपिटल वाली मैंने एक साथ कर लिया, कैपिटल वाली वैल्यू एल इधर करने के बाद जो मुझे वैल्यू मिली आर वन एल अपॉन में आर वन माइनस आर टू के फॉर्म में बना लिया और यही वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया, ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, मैंने क्या किया, जो ये एल की वैल्यू है वो यहीं पर मैंने पुट कर दिया है। ठीक है, अब ऐसा करने के बाद आर वन माइनस आर टू कैंसिल हो गया, अब जो मुझे वैल्यू मिली है वो हम अगले साइड में आपको बता रहे हैं क्या हुआ है। तो देखिए इस साइड में क्या हुआ है कि आपका L की वैल्यू ये रखी गई, काटी गई, जो भी वैल्यू मिला पाई R1 L बचा है, पाई R2 L बचा है, अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद पाई L R1 प्लस R2 मिल गया जो कि CSA है। ठीक है, अब बात करते हैं TSA की, वो कैसे निकलेगा। अब हमें TSA निकालना है, TSA निकालने के लिए आप क्या करोगे, इस पूरे कोण में से, ठीक है, जब ये वाला पार्ट मिला है जो कि आप देख रहे हो नीचे की साइड में ये, ठीक है, ये जो नीचे में दिख रहा है पार्ट, ठीक है, ये वाला आपका फ्रस्टम ही है। आपसे कहा जाए TSA का मतलब हर वो पार्ट जहाँ पुताई कर सकते हो, दिमाग में ये बैठाना है। तो आपको पता है कि आप इतना पार्ट पोत सकते हो, वाट वाइस कर सकते हो, ठीक है, तो ये आपका CSA ही तो है फ्रस्टम का। तो पाई एल ब्रैकेट में आर वन प्लस आर टू हुआ। फिर हम बात क्या कर रहे हैं, आपको ऊपर सर्किल मिल रहा है तो सर्किल का एरिया पाई आर, ऊपर वाली रेडियस टू है तो पाई आर टू स्क्वायर, और नीचे भी आपकी रेडियस मिल रही है इसलिए पाई आर वन स्क्वायर हुआ। आपको पता है पाई अगर कॉमन ले ले तो मुझे क्या मिलेगा, ये मिलेगा, और यही क्या है TSA। तो आशा करता हूँ आप लोग समझे होंगे, जो भी कोई समस्या है आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।